If you are suffering from the hair problems, then you have just landed on the right video. Hi, I am Pooja, and welcome back to my channel, Tips and Tricks. If you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon so you never miss an update so my hair was never looked like this before yes i was having a lot of hair problems like dandruff itchy scalp split ends hair fall and many more so after trying all these expensive shampoos masks conditioners i came across this homemade magical hair oil which uh, boost my hair growth and it fought my dandruff itchy scalp and split ends so without further delay let's quickly jump into the video and find out what i'm going to talk about ऑयल को बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी कोकोनट ऑयल मैं ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ ये 100% परसेंट वीगन है और ये 100% परसेंट प्योर कोकोनट ऑयल है इसका वेट है 173 सेवेंटी जो कि मैं इसको पूरा इस ऑयल को बनाने के लिए ये पूरा ऑयल यूज़ करूँगी इसका प्राइस है सेवेंटी थ्री जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी लीव्स जो कि एक कप लिया है मैंने ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं करी लीव्स हमारे डैंड्रफ को रिमूव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इसमें ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलोंजी यस कलोंजी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तो जितने भी मेन और वुमेन को वाइट हेयर और ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है इससे वो दूर हो जाएगी ये हमारे बालों को लास्ट्रस बनाता है बहुत ज़्यादा उसमें चमक डालता है और बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की हमारे बाल हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे हिबिस्कस यस yes, हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है आपने बहुत इसको न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और बहुत सारे ऐसे बुक्स में भी लिखा होता है तो हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें माना जाता है कि ऐसा ऐसे तत्व होते हैं आयरन होता है और बहुत सारे विटामिनस होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल तो मैं ये घर का ही मेरे घर पे ही प्लांट लगा है एलोवेरा का तो मैं डायरेक्टली इसी का फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करूंगी अगर आपके पास आपके घर में प्लांट नहीं लगा है तो आप मार्केट से भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं मगर आपको अच्छी ब्रांड का लेना है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल मिले जो कि आपके बाल के लिए फ़ायदेमंद हो उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी मेथी में फॉलिक एसिड होता है बीटा होता है जो हमारी बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रिमूव करता है हमारे बालों में शाइन लाता है और बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ भी बनाता है तो आइए आप जानते हैं कि हम कैसे इस मैजिकल होममेड हेयर ऑयल को बनाएंगे तो उसके लिए हमें हम इस इसमें से फ्रेश एलोवेरा निकालना है यस, एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपको कुछ इस तरीके से कट करना है बट आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों को बिल्कुल भी हर्ट ना करें कुछ इस तरीके से आपको काटना है फिर उसके बाद हम इसे काटेंगे पतला पतला आपको इस साइड से काटना है ध्यान दीजिए इस साइड से हमें काटना है एलोवेरा जेल तो इसे हमें पतला सा बिल्कुल काटना है जिससे हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल ईजिली निकल आए तो कुछ इस तरीके से हम इसे काटेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं उसके बाद हम इसमें से निकालेंगे एलोवेरा जेल यस हमारा एलोवेरा जेल रेडी हो चुका है अब हम इसे इसमें से निकालेंगे और निकाल के हमारा ये ये फ्रेश एलोवेरा जेल रेडी हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके से निकालना है आप देख सकते हैं एलोवेरा जेल में विटामिन ई e होता है जो हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इस ये हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है हमारे स्प्रिटन से फाइट करता है हमारे बालों में एक चमक डालता है और हमारी ये बहुत ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है जिसको जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा जेल में विटामिन ई e होता है जो हमारे बालों को नरिश करता है और जिससे हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है उसके बाद हमारा ये रेडी हो चुका है जेल अब हम इसे डायरेक्टली ऑयल में डाल सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है अब हम एक पैन लेंगे उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे आपका पैन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए इसे हम हल्का सा सिमर करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये अपना पूरा कोकोनट ऑयल हमने इसमें लिया है वन सेवेंटी फाइव कोकोनट ऑयल लिया है तो हम इस पूरे कोकोनट ऑयल को इसमें यूज़ करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ एलोवेरा जेल जो कि घर का ही है बहुत ज़्यादा प्योर है और कुछ इस तरीके से आप इसमें आपको यूज़ करना है और जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके बाद हम इसमें डालेंगे हिबिस्कस हिबिस्कस की पत्तियाँ तोड़ के मैंने इसको धुल लिया है अच्छे से अब इसमें हम डालेंगे उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कुछ धुले हुए हमारे करी लीव्स जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौची आपको इसमें लगभग एक टेबल स्पून डालनी है उसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी मेथी दाने हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उसके बाद हम इसे हल्की सी धीमी धीमी आंच पे इसको अच्छे से सिमर करेंगे और इसे बॉईल नहीं करना है बस आपको इसको सिमर करना है अच्छे से इसमें जब सिमरिंग होने लगे, उसके बाद हम इस ऑयल को लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप इसमें कुछ ढक दें ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना जाए और इसे अब हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसके बाद हम इसे एक मलमल के कपड़े से या फिर आपके पास प्योर कॉटन का को को कोई कपड़ा हो जो कि साफ़ हो तो उसमें हमें इसे ऑयल को छानना है अच्छे से आपको स्ट्रेनर का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी आपको इस तरीके से कपड़े से इसको अच्छे से इसको छानना है ताकि हमारा ऑयल एकदम प्योर रेडी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका ऑयल बिल्कुल भी बाहर बाहर गिर ना जाए और आपको कुछ इस तरीके से इसको हम छान लेंगे तो अब मैं एक खाली कंटेनर में इस ऑयल को स्टोर करके रख लूँगी बहुत ज़्यादा आपको बी केयरफुल रहना है कि आपका ऑयल बिल्कुल भी, भी बाहर ना गिरे उसके बाद हमारा ये ऑयल एकदम रेडी हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मैजिकल होममेड रेमेडी है आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप इस ऑयल को लगभग दो से तीन महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है आपके बालों के लिए तो अब हम इस इन्वर्टर तरीके से अपने बालों को कोम करेंगे इस तरीके से कोम करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है क्योंकि आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में जब कोम करते हैं तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता है तो इस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी तो अब जो ऑयल हमने बनाया है उस ऑयल को हमें लेना है लगभग आपको टू टेबल स्पून लेना है अपने बालों में लगाने के लिए तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी जिस तरीके से हमारे बालों में ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा तो आपको एक कॉटन की मदद से ऑयल लगाना है अगर आप जब भी ऐसे हाथ से लगाते हैं तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है जिसकी वजह से आपको हेय हेयर वॉश करने के टाइम बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ता है उसकी वजह से आपके बालों में ड्राइनेस आ जाती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है जा जा जा, तो आप जब कॉटन से अप्लाई करते हैं ऑयल तो आपके बालों में उतना ही ऑयल जाता है जितना आपके हेयर स्कैल्प के लिए ज़रूरी है और जितना आपकी बालों के लिए नीड है तो हम हमेशा आप कॉटन से ही आपको लगाना है ऑयल ये इस तरीके से आप ऑयल लगाएंगे तो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको जब हेयर वॉश करना रहता है तो आपके बा, आपके बाल ईज़िली क्लीन हो जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अब मैं अपने बालों में बहुत अच्छे से मसाज करूँगी तो आपको ध्यान देना है मसाज करने के टाइम आपको नेल्स का यूज़ नहीं करना है आपको फिंगर्स के इन पार्ट्स का यूज़ करना है इससे आपके बालों में बहुत अच्छे से मसाज हो जाएगी जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि लेंथ में कभी भी आपको हेयर ऑयल नहीं लगाना है अगर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं बट आपको ऐसे मसाज करनी है और जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे शाइनी हो जाएंगे उसके बाद हम इन्वर्टर तरीके से मसाज करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपके हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है आपके बाल शाइनी होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं अब आपको नेक्स्ट मॉर्निंग अपने हेयर को वॉश कर देना है और आप इसका रिज़ल्ट फर्स्ट यूज़ से ही देख पाएंगे ये बहुत अच्छा ऑयल है आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड बाय बाई टेक केयर